तो उनकी माता ने बताया कि तोशलीपुत्र नाम के एक आचार्य हैं और वह तुम्हें यह ज्ञान दृष्टिवाद का ज्ञान करवा सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उधर जाओ, आर्य तोशलीपुत्र जी के चरणों में जाओ और यह ज्ञान धारण करो। उन्होंने बताया कि तोशलीपुत्र जी कहाँ विराजमान हैं, वो इक्षु वाटिका में विराजमान है, तुम उनके पास जाओ, वे दृष्टिवाद का अध्ययन कराने में समर्थ हैं। तो उनकी आज्ञा को मानकर माता से दृष्टिवाद के ध्याता के विषय में सारी जानकारी लेकर अगले ही दिन आर्यरक्षित जी ने घर से प्रस्थान कर दिया और इक्षु वाटिका में विराजमान आर्य तोशलीपुत्र जी के चरणों में जाकर अध्ययन के लिए विनती की और दृष्टिवाद के अध्ययन करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे यह ज्ञान देकर आप कृतार्थ करें। और वे भी सुयोग्य पात्र, उन्होंने अपने ज्ञान उपयोग से जाना और उन्हें सुयोग्य पात्र मानकर दृष्टिवाद का अध्ययन कराने में लगे। लेकिन उन्होंने बोला कि दृष्टिवाद का अध्ययन कराने के लिए तुम्हें पहले दीक्षा लेनी होगी, क्योंकि किसी भी गृहस्थी को दृष्टिवाद का ज्ञान हम नहीं करा सकते। उनको दृष्टिवाद का ज्ञान करने की इतनी ज़्यादा उत्कंठा थी आर्यरक्षित जी को, तो उन्होंने उसी समय दृष्टिवाद के अध्ययन करने के लिए अपने घर पर बिना बताए ही दीक्षा ग्रहण कर ली। यह ज्ञान गृहस्थी को नहीं दे सकते, तो उन्होंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और स्वयं ही अपने आप ही दीक्षा ग्रहण कर ली और दृष्टिवाद का उन्हें ज्ञान हो गया। रक्षित मुनि को सर्वप्रथम आचारांग का, सूत्र कृतांग आदि गहरे अंकों का अध्ययन करवाया, फिर तुरंत तदुपरांत दृष्टिवाद का जितना भी ज्ञान था वो सारा दे डाला। और इसके बाद अध्ययन के लिए मुनि रक्षित जी ने 18वें युग प्रधानाचार्य दश पूर्वधर आचार्य वज्र स्वामी जी की सेवा में उन्हें भेज दिया गया और वज्र स्वामी जी से वो दश पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने लगे और पूरी लगन से पूरी निष्ठा से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। लेकिन वो 9.5 पूर्व ही पूर्ण कर पाए। 10वां पूर्व जब आया तो वह हिम्मत हार गए और बोले, आचार्य जी अब कितना शेष है और कितना शेष है? तो वज्र स्वामी जी ने फरमाया कि अभी तो सिंधु में बिंदु मात्र ही तुम पढ़ पाए हो, अभी तो पूरा सिंधु शेष है। तो उनकी अपनी माता से मिलने की अभिलाषा उत्कंठ हो उठी और उनके भाई भी उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते हुए, उनके भाई का नाम फल्गु रक्षित था, ढूंढते उन्हें आ गए, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ले ली थी तो वो अपने घर नहीं गए थे। तो उनके माता पिता को चिंता हुई कि हमारे कुल का दीपक कहाँ चला गया। तो उनकी माता ने फल्गुन रक्षित जी को उनके खोज के लिए भेजा और फल्गुन रक्षित अपने भाई के पास पहुँचते हैं और पहुँच कर क्या बातें करते हैं यह सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।